फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए वाइफ के साथ। कैसा लग रहा है कश्मीर में आकर? कैसा लग रहा है, कैसे लगना मत पूछिए। यहाँ की व्यूज़, यहाँ की सीनरी, यहाँ की बात ही अलग है। तो सर जो कश्मीर की, जब हम यहाँ का प्लान कर रहे थे ना, तो हमसे बोला गया कि यहाँ वहाँ मत जाओ, वहाँ पे ऐसा हुआ है, वहाँ पे ऐसा हुआ है, वहाँ का ऐसा है। पर यहाँ पे आके, यहाँ पे आके तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग कोऑपरेटिव, यहाँ की पुलिस कोऑपरेटिव, सब चीज़ कोऑपरेटिव, और यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह नहीं है। हमें ऐसा नहीं लगा यहाँ पे कोई दिक्कत है। तो सर के मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा हमें जो दिक्कत है। यहाँ पे आओ, घूमो, यहाँ से अच्छी शायद ही वर्ल्ड में डेस्टिनेशन हो घूमने के हिसाब से। हमें यहाँ ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत है। मैं आगरा से आया हूँ, मोहम्मद शानू नाम है मेरा। तो सर कितने दिन आपको हुए कश्मीर, और कैसा फील हो रहा है आपको कश्मीर? सिक्स डेज हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर के अंदर। यहाँ लग नहीं रहा कि कहीं घूमने आए, बहुत अपना बने यहाँ के लोगों में सबसे अच्छा। यहाँ कुछ फ्रॉड नहीं है, सब कुछ वॉलेट वॉलेट सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल जा रहे हैं अपन कपल लोग, तब भी कोई हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 20-20 लोग हैं वहाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनापन है, बहुत मोहब्बत है यहाँ। तो सर पहली बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत खुशनसीब हैं हम, जो कि हमें ये बहुत कम समय के लिए खुलता है और हमें खुला मिला। हमें बहुत नई नई चीज़ें, नए एकदम कल्चर के फ्लोवर्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम लोग ऐसे फ्लोवर्स, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर अगर हम सिचुएशन कुछ नहीं है, मैं बोलना चाहता हूँ देश की सारी मीडिया को, सभी लोगों से, सभी भाई बंधों से बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सब ये बना रखा है, काफ़ी फ्रॉड या फर्जी फैला रखा है कश्मीर के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहूँगा सब लोग उसे कश्मीर आए। तो सर क्या मैसेज खोल दिया गया है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते हमने इस दफ़ा किसी फॉर्मल इनॉग्रेशन या रस्म इफ्तिताह का अहतमाम नहीं किया है। तहम बहुत ही रिवायती अंदाज से हमने अवामनास के लिए खोल दिया गया। कुल मिला के 51 वेराइटीज़ ट्यूलिप्स की, 12 वेराइटीज़ हायसिंथ की, और मस्करीज भी अच्छी खासी तादाद में हैं। और इस बाग की खूबसूरती को में इजाफा करने के लिए पहली मरतबा फ्लड लाइट्स का अहतमाम किया गया। यहाँ पे बॉलर लाइट्स, फोकल लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, जिससे आने वालों के अवकात में इजाफा हो सकता है। वो शाम देर गए तक इस बाग की खूबसूरती और रंगारंगी का नज़ारा कर सकते हैं। और एक और खूबसूरत मंजर ये है कि बाग के अंदर तो 30-35 फीसदी ब्लूमिंग है ही, लेकिन बाहर भी मंजर जो है जबरबंद के दामन में बहुत ही खूबसूरत है। प्रीकॉट आप देख रहे हैं कि जगह जगह शगुफे खिल पड़े हैं, और ये बहुत ही दिलचस्प मंजर है। तमाम लोग जो भी सुन रहे हैं नाजरीन, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ आएँ और इस बात का मुशाहिदा। तो सर अगर देखा जाए चीज़ें पिकअप होती हैं, बेयक वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि पहले दिन तमाम टूरिस्ट आ जाएं। हम चाह रहे थे कि अभी एक दो दिन की ताखीर से इस बात को खोलें, लेकिन जिस तरह से गैर मकामी सयाह बड़ी तादाद में आ रहे थे, उनको मायूसी हो रही थी कि वो यहाँ आके गुल-ए-लाला का मुशाहिदा नहीं कर पा रहे थे, तो उनके एहतराम में हमने आज ही खोल दिया। और आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में गैर मकामी टूरिस्ट आज बाग के अंदर मौजूद है। और जो आप फुल ब्लूम की बात कर रहे हैं, उसमें मज़ीद 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा भी जो ब्लूम है वो 30% से कम नहीं, और ये इट्स अ परफेक्ट स्टार्ट, एंड फ्रॉम हियर ऑन इट्स ओनली गोइंग टू पिक अप इन द कमिंग वीक्स एंड डेज, एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव द फुल ब्लूम विच ओनली 80% एट अ टाइम, एंड दैट्स गोना हैपन इन अ वीक फ्रॉम नाउ। थैंक यू वही स्टार्ट कर रहा हूँ जी। हाँ, मेरा नाम श्रवण है, मैं वारंगल से आया हूँ ये स्पेशल ये देखने के लिए। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझको, या ये क्या फ्लावर लवर्स के लिए ये क्या है, जैसे हेवन लाइक, ये सब देख के मुझे मन पसंद आया। तो सर व्हेन हाउ मेनी डेज यू स्पेंट हियर? क्या कश्मीरी वो मैंने पहले इधर आया तब ये स्टार्ट नहीं हुआ, वो तब मुझे पता नहीं, ये क्या आने के बाद पता हुआ। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 15 अप्रैल तक। तो कैसा ही है वैसे? ओ, मैं फील नहीं हुआ, वो ये सब हॉस्पिटैलिटी इज अच्छा है इधर। क्या इधर लोग भी काफ़ी दिलदार है? तो सर क्या मैं ये अच्छे क्या वो मुझे अच्छा लगा।